हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक की पोएम 5 डिस्कस करेंगे, फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। सो लेट अस बिगिन। जैसे कि हम यहाँ पर टाइटल देख रहे हैं, फादर टू सन, तो यहाँ पर इस पोएम में फादर अपनी बेटी के बारे में अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं और दोनों के बीच में कोई ज्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं है। दोनों को ऐसे लगता है कि वो एक दूसरे से बहुत दूर है और उनमें मे बी एक कम्युनिकेशन गैप है। तो पोएम ऐसे शुरू होती है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे की कुछ समझ नहीं आती, हालांकि हम इकट्ठे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं इतने सालों से, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या नेचर है, क्या क्वालिटीज है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं हर वक्त कोशिश करता रहता हूँ कि मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करूँ। जब वो छोटा था तब हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और मैं उसी तरह का रिलेशनशिप वापस बिल्ड करना चाहता हूँ। देन ही सेज, येट हैव आई किल्ड, फिर वो पूछते हैं कि क्या मैंने ही किसी चीज को मार डाला, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर। तो पिछले स्टैंजा में एंडिंग में उन्होंने लिखा था कि क्या मैंने मार दिया है उस सीड को जिसे कि मैंने ही बोया था, यानी कि वो बच्चा जिसे कि मैंने ही पैदा किया है, क्या मैंने ही उसे कहीं मार दिया या उसे खो दिया? क्योंकि जिस जमीन पर मैं अब वो पौधा उगा है, जिस जमीन पर, यानी कि जो उस बच्चे की फाउंडेशन है, वो मेरी दी हुई नहीं है, वो उसकी अपनी ही है। मीन्स उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो एक अलग सी ही बन गई है और उसमें पोएट को लगता है कि उनका कोई योगदान नहीं है। हम अजनबियों की तरह बात करते हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये जो बच्चा है ये दिखने में तो मेरे जैसा है, बिल्ड टू माई डिजाइन, यानी कि उसकी लुक्स तो मेरे जैसी हैं, लेकिन जो कुछ उसे पसंद है, जो उसके शौक है, उसके टेस्ट है, वो बिल्कुल भी मुझसे मिलते जुलते नहीं है, इसलिए हमारे बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है और मैं उसके शौक को शेयर नहीं कर सकता, हमारे इंटरेस्ट इतने अलग अलग हैं। फर्दर वो कहते हैं, साइलेंस सराउंड्स अस, मीन्स जब भी हम इकट्ठे होते हैं हम आपस में कुछ बात ही नहीं करते क्योंकि कोई भी कॉमन टॉपिक नहीं है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। अब जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं तो कोई बातचीत नहीं होती, चुपचाप बैठे रहते हैं क्योंकि कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। फिर हमारे पोएट कहते हैं कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। अब प्रोडिगल सन का क्या मतलब है कि एक ऐसा बच्चा जिसने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ होकर घर से बाहर जाकर कुछ किया, लेकिन फिर वो फेल हो गया और फिर वो वापस से घर आ गया। तो कहते हैं कि मैं, मुझे ये भी मंजूर है कि मेरा बेटा बाहर गया, गलतियां की, उसे लेसन मिला और अब वो वापस आ जाएगा मेरे पास, मेरे घर में, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो कहते हैं कि वो घर जिस घर में वो पला बड़ा है, जिस घर को वो जानता है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि वो वापस अपने ही पेरेंट्स के घर में आ जाए, इसके बजाय कि वो अपना ही एक नया घर बना ले और अपनी एक नई दुनिया बना ले। मैं उसे माफ भी कर दूंगा क्योंकि ये जो उसका दुख है, जब मैं उसके साथ उसका दुख बांटूंगा तो हमारे बीच में एक प्यार डिवेलप होगा और हम आपस में क्लोज हो जाएंगे। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक्स, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स माफ कर देना। तो कहते हैं कि हम बाप बेटा है, हम दोनों को एक ही जगह पर रहना है और एक ही धरती पर रहना है, मीन्स हमारा जो वर्क का जोन है वो एक ही है और हमारी जो भाषा है वो इतनी अलग अलग है, मैं समझ ही नहीं पाता कि वो क्या बोलता है। और इसी वजह से, उस दुख की वजह से, ग्रीफ मीन सैडनेस, उस दुख की वजह से मुझे इतना गुस्सा आ जाता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता हूँ।
और हम दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं क्योंकि हम दोनों अपने रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा रीजन मिले जिसकी वजह से हम एक दूसरे को माफ कर सकें, मन में से इस गुस्से को निकाल सकें और आपस में क्लोज हो सके। तो यहाँ पर फादर अपने बेटे की तरफ जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनका प्यार है, वो दर्शा रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक जनरेशन गैप और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इस पोएम में क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इस पोएम को ध्यान से पढ़ें तो इसकी राइम स्कीम क्या है, आइए वो देखते हैं। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी ए। देखिए, चाइल्ड, बिल्ड, किल्ड, ये आपस में राइम कर रहे हैं और फिर नाउ, नो, हाउ, ये भी राइम कर रहे हैं। तो राइम स्कीम क्या बनी, ए बी बी ए बी ए। ऐसे ही नेक्स्ट स्टैंजा में भी वेयर, एयर, शेयर राइम कर रहे हैं, माइन, साइन, डिजाइन राइम कर रहे हैं। तो ए, तो ये बना सी डी डी सी डी सी। सो यही राइम स्कीम पूरी पोएम में फॉलो हुई है। नेक्स्ट इस पोएम में एंजैबमेंट यूज हुई है। जैसे कि हमने जब पोएम पढ़ी तो हमने देखा कि एक काइंड ऑफ अ स्टोरी, एक काइंड ऑफ वो अपनी फीलिंग इस पोएम में बता रहे हैं, लेकिन इस पोएम में ऐसा नहीं है कि लाइंस की जो लेंथ है वो स्टैंडर्डाइज है या फिर सब लाइन के एंड में वो जो सेंटेंस है वो खत्म हो रहा है, कोई पंक्चुएशन मार्क भी यूज नहीं हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, द पोएम इज एंजैप्ड। नेक्स्ट इस पोएम में सिमिली यूज हुई है। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे फादर एंड सन ने अपने आप को स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों के साथ कंपेयर किया है, ये सिमिली है। फिर इस पोएम में एक और डिवाइस यूज हुई है जिसे हम कहते हैं एनाफोरा। जब दो कंसेक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से शुरू होती हैं, जैसे कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉट ऑफ माइन। सो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंसेस द से शुरू हो रहे हैं, दिस इज एनाफोरा। फिर हमें इसमें एलिट्रेशन भी देखने को मिलता है। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे देखिए, स्पीक स्ट्रेंजर्स, दोनों वर्ड्स स साउंड से शुरू हो रहे हैं, दिस इज एलिट्रेशन। फिर इस पोएम में एक मेटाफर भी यूज हुआ है। मेटाफर एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, जब उनकी किसी एक क्वालिटी को हम सिमिलर बताते हैं। तो यहाँ देखिए, द सीड आई स्पेंट और सोन, तो ये जो सीड है दिस इज यूज फॉर द सन। तो वो अपने बेटे को इस सीड के साथ कंपेयर करेंगे, जिस तरह से एक फार्मर, एक किसान बीज को बोता है और उसमें से एक पौधा उगता है, उसी तरह से इस फादर ने भी अपने बेटे को जन्म दिया और आज वो बेटा बड़ा हो गया है। सो इसके साथ ही हम इस पोएम के एंड में आते हैं और हमने इस पोएम में देखा दैट इट इज अबाउट द ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन अ फादर एंड अ सन ड्यू टू अ जेनरेशन गैप। दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, दे फील दैट नथिंग इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट येस वन थिंग इज कॉमन दैट दे बोथ लव ईच अदर एंड दे बोथ वॉन्ट टू ग्रो देयर रिलेशनशिप। So thank you for watching this video. I hope you find the lesson useful. And for more such videos, do subscribe to English Academy.